निर्भया के चारों दोषियों को फांसी देने के साथ ही लोगों के मन में अब ये सवाल है कि आखिर फांसी से पहले इन दोषियों के मन में क्या चल रहा था, उनकी मनोदशा क्या थी, वो क्या सोच रहे थे, वो क्या चाहते थे। तो दोस्तों, हम आपको बता रहे हैं कि कैदियों के मन में क्या था, वो किस तरह से सोच रहे थे, और ये बता रही है सोशल एंड कल्चरल एंथ्रोपोलॉजिस्ट डॉक्टर अनुपमा भारद्वाज। डॉक्टर अनुपमा भारद्वाज कहते हैं कि ऐसी स्थिति में जीने की चाह बहुत तेज हो जाती है, यानी मरने से पहले जिजीविषा यानी जीने की अति इच्छा बहुत तेज हो जाती है। ये तब होता है जब जीवन पर कोई संकट आता है, क्योंकि जीवन के बाद कुछ नहीं होता। इसलिए जाहिर है कि पहले तो मनुष्य और उस पर सचेतन होने के नाते निर्भय के दोषियों की भी जीने की इच्छा बहुत तेज थी, और ये इच्छा फांसी से चंद सेकंड पहले बहुत तीव्र हो जाती है। और यही मानसिक स्थिति चारों दोषियों यानी विनय कुमार शर्मा, पवन कुमार गुप्ता, मुकेश और अक्षय कुमार की रही होगी। यही नहीं, चमत्कार की उम्मीद भी बनती है। फांसी से पहले चारों दोषियों के सामने मौत नजर आ रही थी, क्योंकि उन्होंने एक आस के तहत कई तरह के कानूनी दांव पे चले थे, और तीन बार डेथ वारंट जारी होने के बाद भी उनकी फांसी टल गई थी। ऐसे में वह कुछ ऐसा सोच रहे थे कि शायद फिर से एक बार फांसी टल जाए। कई दोषी तो इस दौरान अपने आप को दूसरी ही दुनिया में ले जाने की कोशिश करते हैं, यानी कि वर्तमान में जो सच्चाई होती है उससे दूर। उन्हें लगता है कि फांसी नहीं होगी, टल जाएगी, और ये सोचकर उनको राहत मिलती है, उनके मन को दिलासा मिलता है। ऐसी काल्पनिक स्थिति हो जाती है ऐसी स्थिति में। यही नहीं, दोषी ये भी जानते थे कि उन्हें फांसी होगी, लेकिन फिर भी वो ऐसी स्थिति में लगातार मौजूदा अधिकारियों से माफी मांगने लगते हैं। वो कहते हैं कि प्लीज उन्हें छोड़ दिया जाए। दरअसल इसके पीछे चारों की यही सोच रही होगी कि काश कोई रास्ता निकल आए, उन्हें इससे दिलासा मिलता है। वैसे बताया जा रहा है कि रोने और भावुक होने की स्थिति में वहाँ मौजूद अधिकारी लगातार उनकी पीठ ठोक रहे थे, ताकि उनका नर्वस ब्रेकडाउन होने से बचा जा सके। कई बार ये स्थिति आ जाती है, लेकिन खासकर बड़ी उम्र में, इसीलिए अधिकारी उनको प्रोत्साहित करते रहते हैं। यही नहीं, फांसी से पहले गुनहगार माफी भी मांगने लगते हैं। डॉक्टर अनुपमा बताती है कि फांसी से ठीक पहले चारों दोषियों के जहन में 16 दिसंबर 2012 की रात का वो लम्बा फ्लैशबैक फिल्म की तरह तेजी से आया होगा, जब उन्होंने ये घिनौना कृत्य किया था। इस दौरान वे अपने गुनाह के लिए भगवान का नाम लेकर माफी मांगने लगते हैं। काश उन्हें भगवान बचा ले, काश उनको एक मौका मिल जाए, ऐसा कर वो अपने आप को दिलासा देने की कोशिश करते हैं। यानी उन्हें अंतिम पलों में पछतावा होता है, और वो काफी देर तक पछताते रहते हैं। उन्हें ये लगता है कि काश वो क्षण उनके जीवन में ना आया होता, काश ऐसा होता ही ना। उनके मन में लगता है कि दुनिया छोड़कर हम कहाँ जा रहे हैं, कौन सी दुनिया में जा रहे हैं, वहाँ क्या होगा। फांसी से ठीक पहले निर्भय के गुनहगारों ने ये जरूर सोचा होगा कि मरने के बाद उनके माता पिता का क्या होगा, और ये सब याद कर वो रोते रहे। मसलन विनय, पवन और मुकेश ने जरूर माँ बाप के बारे में याद किया। उन्होंने सोचा कि अब तो उसके बाद कोई मुलाकात ना होगी, उनके जाने के बाद वो कैसे जिएंगे, उनकी जिंदगी में क्या परेशानी आएगी। वहीं अक्षय ने अपने बच्चे और बीवी को याद किया होगा। दरअसल अक्षय ने जब ये क्राइम किया था तो उसके 3 माह का बेटा था। वो इसको याद करता होगा कि अब वो बड़ा होकर क्या सोचेगा। वो अपनी पत्नी को याद करेगा, उसकी उन्हीं दिनों शादी हुई होगी। वो सोचता होगा कि उसके बाद उन दोनों का क्या होगा, उसके बूढ़े माँ बाप का क्या होगा। सिर्फ दोषियों की नहीं, बल्कि यही स्थिति निर्भय की थी। 16 दिसंबर 2012 की रात जब 6 लोगों ने उसके साथ दरिंद की, इतना सब होने के बाद भी निर्भया जीना चाहती थी। वो मौत से लगातार लड़ती रही, हालांकि वो जिंदगी की जंग हार गई। निर्भया की जिजीविषा उसके कई भावुक नोटों से मिलती है। इन नोटों से पता चलता है कि वो जिंदगी से कितना प्यार करती थी। डॉक्टर अनुपमा भारद्वाज बताती है कि फांसी से पहले दोषियों के अंदर जीने की जिजीविषा काफी बढ़ गई थी। चारों ही मरना नहीं चाहते थे, और इसी उम्मीद में उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट और फिर राष्ट्रपति के दर पर गुहार लगाई थी। तो दोस्तों, ये थी वो साइकोलॉजी, मनोदशा, जो मरने से चंद मिनट और सेकंड्स पहले दोषियों के मन में थी। सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें।